हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्यों फोर्ड इको स्पोर्ट बेस्ट ऑप्शन है अंडर 12 लाख रुपीस के अंदर। अगर आपका बजट है 12 लाख रुपीस तो फोर्ड इको स्पोर्ट क्यों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आपका बजट है 12 लाख रुपीज़, तो मैं बता देता हूँ कि 12 लाख रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 12 लाख रुपीज़। तो इतना अमाउंट आप कहीं इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी में क्या इंपॉर्टेंट है और आपकी गाड़ी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो गाड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है और क्या आपका इन्वेस्टमेंट सही है। किसी भी गाड़ी में अगर आप 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट चीज़ जो देखने की बात होती है कि 12 लाख रुपीज़ में आपको गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, जैसे क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने फ़ीचर्स, क्या फ़ीचर्स लोडेड है गाड़ी, सेफ्टी कितनी है गाड़ी में और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पावर परफॉर्मेंस कैसा है। गाड़ी के लुक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस है, हैंडलिंग कैसी है गाड़ी की, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है क्या आप गाड़ी में सेफ़ हैं। तो ये चीज़ें हैं एक 12 लाख रुपीज़ का आप अगर डिसीज़न लेते हैं कि अंडर 12 लाख रुपीज़ की आपको गाड़ी लेनी है, तो ये चीज़ें आपको एक गाड़ी में देखना चाहिए। तो आप बात कर लेते हैं फोर्ड इको स्पोर्ट क्यों बेस्ट है अंडर 12 लाख रुपीज़। तो फोर्ड इको स्पोर्ट अपने बिल्ड क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करने के लिए आप सबसे पहले इसका डोर बंद कीजिए, जो थंब का नॉइज़ आता है इससे आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी पता चल जाएगी। बॉडी इसकी काफ़ी मजबूत है और इंटीरियर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि किसी सस्ती गाड़ी में बैठे कोई चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज़ हुआ है। और फिर इसके लुक्स काफ़ी स्पोर्टी लुक्स हैं, और इसकी जो सबसे बढ़िया बात है वो इसका स्पेयर व्हील जो टेल गेट पर दिया हुआ है वो, और ओवरऑल इस गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम है। और जैसे आप देख रहे हो काफ़ी बढ़िया दिखती है फोर्ड इको स्पोर्ट। माइनर से चेंजेस कुछ आए हैं अभी तक फोर्ड इको स्पोर्ट में, फेस लिफ्ट हुआ है कुछ, हेडलैम्प और बम्पर जो है वो चेंज किए हैं। ओवरऑल अगर आप एक गाड़ी सर्च कर रहे हैं 12 लाख रुपीज़ में, तो आप क्या चीज़ें देखते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, इंटीरियर कैसा है, कंफर्ट कैसा है गाड़ी में, तो फोर्ड इको स्पोर्ट आपको कहीं भी कम नहीं लगेगी किसी भी मामले में। और सेगमेंट की जो गाड़ियाँ आती हैं अंडर 12 लाख रुपीज़ में, उसमें आपको प्रीमियम अच्छा मिल जाएगा गाड़ी में, इंटीरियर अच्छा मिल जाएगा, बट हैंडलिंग के मामले में सारी गाड़ियाँ फोर्ड इको स्पोर्ट से कहीं ना कहीं पीछे रह ही जाती है। और पावर परफॉर्मेंस जो है वो फोर्ड इको स्पोर्ट का बेस्ट है। आपको फोर्ड इको स्पोर्ट्स जैसी राइड क्वालिटी कहीं किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं तो आप कंफर्ट भी काफ़ी रहेंगे, इसकी जो सीट एडजस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रेक्लाइन वगैरह हो जाती है, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स हैं इसकी। तो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में फोर्ड इको स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि आप राइड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। आप लॉन्ग ट्रिप में अगर जा रहे हैं तो आपको कहीं भी थकावट वगैरह नहीं होगी, और आप अगर एक एंथुसियास्ट राइडर हैं तो फोर्ड इको स्पोर्ट आपको डेफिनेटली पसंद आना ही आना है। बेस्ट ऑप्शन फोर्ड इको स्पोर्ट इसीलिए है क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी काफ़ी शानदार है। किसी 12 लाख रुपीज़ की कार के अंदर आप बैठते टाइम सबसे पहले जो नज़र जाती है जहाँ पर, वो है गाड़ी का इंटीरियर। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम और लुक्स काफ़ी अच्छे होना चाहिए, और फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होना चाहिए, जो हम लोग कार के अंदर बैठते थे सबसे पहले नोटिस करते हैं। तो फोर्ड इको स्पोर्ट की बिल्ड क्वालिटी बाहर की तो काफ़ी अच्छी है, और अंदर की जो फिट एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, कहीं पे किसी चीज़ की कमी आपको फील नहीं होगी, कहीं ऐसा आपको गैप्स वगैरह वो कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे। काफ़ी बढ़िया इसकी फ़िट एंड फिनिशिंग है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो, उसका लुक, जो इसकी स्क्रीन है 9 इंच की स्क्रीन दी हुई है, वो काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम लुक आता है इससे गाड़ी का। और
ओवरऑल इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपको फील होता है कि आप हाँ 12 लाख रुपीज़ की गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, कहीं किसी चीज़ की कमी आपको महसूस नहीं होगी है फोर्डी को स्पोर्ट के अंदर। फिर जब इंटीरियर में गाड़ी में बैठ जाते हैं, इंटीरियर देखने के बाद हम लोग सबसे पहले जब टेस्ट ड्राइव लेते हैं तब उसकी हैंडलिंग के ऊपर नज़र जाती है, हैंडलिंग के अपन बात करते हैं फिर। तो फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग की कोई डाउट ही नहीं है, फोर्ड इको स्पोर्ट की हैंडलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। अभी तक कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी में कोई और गाड़ी नहीं है जो फोर्ड इको स्पोर्ट को हैंडलिंग के मामले में कम्पीट कर सके। अंडर 12 लाख रुपीज़ में अगर हम लोग बात करते हैं एक गाड़ी की हैंडलिंग, तो गाड़ी की हैंडलिंग परफेक्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस फील आना चाहिए आप गाड़ी का स्टीयरिंग होल्ड करते से। और फोर्ड इको स्पोर्ट की खासियत यही है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी और राइड क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फोर्ड इको स्पोर्ट अपने ड्राइव क्वालिटी के लिए, ड्राइविलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जब से फोर्ड इको स्पोर्ट लॉन्च हुई है तब से अभी तक उसकी ड्राइविंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सुधरी है, और कहीं भी आपको फोर्ड इको स्पोर्ट में कॉर्नरिंग करते टाइम आपको बॉडी रोल ज़रा सा भी महसूस नहीं होगा बिकॉज ऑफ लिटिल बिट स्टिफ सस्पेंशन। तो ड्राइविंग के मामले में फोर्ड इको स्पोर्ट बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है अगर आप ड्राइविंग पसंद करते हैं, हैंडलिंग अगर गाड़ी की आपको पसंद है, एंथुजियास्ट राइडर हैं, तो आपको फोर्ड इको स्पोर्ट बेस्ट ऑप्शन रहे लगेगा अंडर 12 लाख रुपीज़ के लिए। और इंटीरियर की मैंने जैसे बात की, फोर्ड इको स्पोर्ट का इंटीरियर शानदार है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, लुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है इसके, और इसका एसी वो काफ़ी जल्दी केबिन को बहुत ठंडा कर देता है जल्दी, रेयर एसी वेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है बिकॉज ऑफ क्विक चिल, एसी इसका बहुत पावरफुल है। और पावर की बात की है तो इसका इंजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आपको कहीं भी पावर लैग नहीं होगा, कहीं भी पावर की आपको कमी महसूस नहीं होगी, किसी भी गाड़ी को आपको ओवरटेक करना है तो जस्ट आपको बहुत सी जगह तो गियर शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक्सेलरेट कीजिए और गाड़ी शानदार तरीके से गाड़ी किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर देगी। फोर्ड इको स्पोर्ट इंटीरियर जो है वो काफ़ी एक्सेसिबल है इसका, आप किसी भी पोजीशन में आप सीट में बैठे हैं, आगे या पीछे रिक्लाइन भी अगर आपने ज़्यादा भी रिक्लाइन किया हुआ है सीट को तो भी जो सारे जो स्विचेस हैं काफ़ी एक्सेसिबल है, इसका गियर शिफ्ट ही हो गया, गियर लीवर ही हो गया, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, अपने बॉडी को आगे जाके फिर उसको किसी भी चीज़ को गियर को एक्सेस करना है, शिफ्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बैठे बैठे आप किसी भी स्विच को आप कर सकते हैं, आपके बॉडी को कहीं पे आगे पीछे मूवमेंट नहीं करना है आपको, बस बैठे बैठे आप ड्राइव करते करते इंजॉय कर सकते हैं इसका इंटीरियर को। बात करें अंडर 12 लाख रुपीज़ की तो इम्पॉर्टेंट होता है कि गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम कैसा है और साउंड क्वालिटी कैसी है, तो फोर्ड इको स्पोर्ट की म्यूज़िक क्वालिटी और जो साउंड है वो काफ़ी बढ़िया है। 12 लाख रुपीज़ में आपको फोर्ड इको स्पोर्ट्स में काफ़ी शानदार इंटीरियर देखने को मिलता है, काफ़ी सीट्स जो इसकी जो सीट कवर भी आपको मिलेंगे वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, इसका लेदर की फिनिश है और लेदर अपोस्ट्री स्टेयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। इसके रेयर पैसेंजर के सीट्स की बात कर लेते हैं तो इसके रेयर की सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, लेग रूम और हेड रूम भी काफ़ी डिसेंट मिल जाता है, इनफ हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। फिर बात कर लेते हैं इसके बूट की, तो बूट स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेप्थ है उसमें, काफ़ी ज़्यादा सामान लेके भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में तो मोर देन इनफ है इसका बूट स्पेस। और जैसे मैंने टेलगेट की बात की थी, ये जो स्पेयर व्हील टेलगेट पे दिया हुआ है ये काफ़ी इजी एक्सेसिबल हो जाता है अगर गाड़ी पंचर हो गई तो निकालने के लिए, और पंचर टायर आपको यहाँ फिट करने के लिए, और एक कंप्लीट एसयूवी का लुक भी देता है ये फोर्ड इको स्पोर्ट का फ्रंट लुक। फ्रंट में आपको फोर्ड इको स्पोर्ट में यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प में ये LED DRLs मिल जाते हैं, ये इसका
प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और यहाँ साइड में इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये इसका फॉग लैम्प। और ये काफ़ी सुंदर इसका ब्यूटीफुल एक माचो लुक वाला इसका ग्रिल, और साइड लुक इसका काफ़ी स्पोर्टी है। ये स्ट्रिप्स जो ये पीछे गई है लास्ट तक, ये काफ़ी अच्छी दिखती है। और ये स्कल्फ प्लेट्स एक इसको कंप्लीट एसयूवी लुक देता है। तो ओवरऑल फोर्ड इको स्पोर्ट्स जो है वो काफ़ी कंप्लीट पैकेज है अंडर 12 लाख रुपीज़ के लिए, और एक बेस्ट ऑप्शन है फोर्ड इको स्पोर्ट्स अंडर 12 लाख रुपीज़ के लिए। ओवरऑल जो है वो फोर्ड इको स्पोर्ट्स 12 लाख रुपीज़ के अंडर में एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। किसी भी चीज़ की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि फोर्ड इको स्पोर्ट क्यों अंडर 12 लाख रुपीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप डिसीज़न लेते हैं अंडर 12 लाख रुपीज़ की गाड़ी लेने का। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फोर्ड इको स्पोर्ट्स लवर हैं, एंथुजियास्ट लवर हैं, राइडर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।